दरभंगा जिला के घुसरम्मा गांव की बात करें तो यहां पर काफी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसका कारण हम आगे बताएंगे। दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के घुसरम्मा गांव की बात करें तो यहां पर अचानक एक 4 साल की लड़की का निधन हो जाता है और एक 40 साल के बुजुर्ग का निधन हो जाता है। बता दें, यहाँ पर आखिरकार लोगों का जो चिंता है वो बढ़ जाता है और एक दिन के अंतराल पर ही ऐसा हो जाता है और खासकर कुछ होता भी नहीं है। ऐसा कहा गया है लोगों का कि ना कोई बीमारी था ना कुछ भी था, लेकिन फिर भी मर गया। कुछ लोगों ने कहा कि डायन जोगिन है, किस लोगों ने कहा कि ये किसी ने नज़र लगा दिया, कुछ लोगों ने कहा कि वो सप्पा कटवा दिया, कुछ लोगों ने कहा कि ये कुछ ना कुछ नज़र का काम है जिसकी वजह से हमारे घर के जो घर का सदस्य था, जो किशोरी था, उसका निधन हो गया है। बहुत ही दुखद खबर ये है कि इस घटना के बाद उस गांव के लोग, आसपास गांव के लोग काफ़ी डरे हुए थे, सोचकर भी डरे हुए थे लोग और सहमे हुए थे। इस खबर को दिखाना इसका इतना अत्यंत जरूरी था कि जो लोग डरे हुए हैं, जो भ्रमित लोग बैठे हुए हैं, चाहे जो लोग भ्रम में बैठे हुए हैं, उनको उससे निकालना था। और इसके लिए हमने काफ़ी यहाँ पर मेहनत किया है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि स्वास्थ्य प्रभारी जो बलसंत पंचानन है, उन्होंने तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग के लोगों को भेजा और ये जांच भी किया है। यहाँ के सरोज सिंह है, पूर्व सरपंच के हैं यहाँ पर, उन्होंने जो कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। यही घर है जहाँ पर किशोरी सोई हुई थी और रात में कुछ काट लिया। देख सकते हैं, ये घर है जिसका तस्वीर मैं आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ घुसरम्मा गाँव से। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। लगातार आप भारत समाचार की खबरें देख रहे हैं। प्राण सोसाइटी हिंदुस्तान फेसबुक पेज पर जाकर लाइक करें, खबरें देखें। इस महिला को देखिए, ये जो महिला है, ये इनका ये कहना था कि हमारे सामने ही इनको कुछ काट लिया, और इनका भी एक आरोप था कि मुझे भी लग रहा है जैसे कुछ काट लिया और मैं भी यहाँ से जा रही हूँ झरवाने के लिए, या मैं भी यहाँ से जा रही हूँ डॉक्टर के पास। फिर हमने तुरंत इनको कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग डरिए नहीं, डर से ये होगा कि सभी लोग घर छोड़ देंगे, गांव छोड़ देंगे। बड़ी खबर, यही वो महिला है जिसकी बेटी थी 4 साल की, जो अभी दुनिया में नहीं है। इसके ठीक पीछे एक घर था जहां पर 40 साल का एक आदमी था जो नीचे सोता था, और रात में भी ये घटना हुआ। बता दें कि काफी लोग डरे हुए हैं। विशेष कवरेज देखिए। बोला कि भीम काट लिया, उसके बाद खुल गया था हाथ। जो मरा है वो बोला? हाँ। अच्छा, कितने बजे रात की बात है? ये तो नहीं मालूम। आप थे यहाँ पर? हाँ, घर में सोए थे। अच्छा, आप उठे नहीं थे तब? नहीं, सुबह में बाद में पता चला। आपको क्या हो गया? चुट्टी काट अच्छा लगे, काट ले कर बीस बीस लग ले। कहाँ पर काट लिया? यहाँ, मतलब घर में? हाँ, मुखा पर। ओ, तो आपको क्या डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे, मतलब दिखाने के लिए? नहीं, घर है उसको, जरूरत नहीं है। आप लोग डरिए नहीं, डर के ऐसे में तकलीफ में हो जाइएगा। आपका नाम क्या है? रीता। घर कोयला। 2 बजे रात में सो करके उठे थे और अपने पापा को बकड़ के उठा रहे थे। उनको पापा उठे तो फिर हाथ देखे तो हाथ खुला हुआ था, तो फिर भक्ति नहीं ले गए थे झराने के लिए, तो वो भी झारा की फूका। आप थे उस समय में? हाँ, हम तो थे। बच्चा का चेहरा काला हो गया था या कैसा था? नहीं, बच्चा का चेहरा जैसा ही रहे थे ना, बच्चा वैसा ही। जब मर गई है उसके 1 घंटे बीच वो बच्चा करिया हो गए थे, टाइट हुआ जीवर करिया हो गए थे। अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्या मतलब काटा होगा ऐसा कुछ? वही भूसफा धराया हुआ था और क्या रही? अच्छा, वही लगा होगा? भूसफा लगा हुआ था ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है। तो ये भूसफा जो मतलब काला वाला होता है कीड़ा? काला वाला नहीं, जैसे वो लकड़ी होता है ना, तो गोरे में लपेट जाता है, ठीक है। तो इसको लपटा नहीं था, जैसे वो काटा हुआ था ना, तो भिजवा गए, ये वाले भिजवा हुआ था। भिजवा हुआ के बाद ना बच्चे को हाथ देखे तो हाथ खुला हुआ था, जैसे हाथ फूल गए तो देखे उनको पापा, तो करिया हो गए। कौन धराता है भूसफा? अब कौन धराया नहीं धराया, डरिया जोगिनी ने धराया होगा। अच्छा, लगता है कोई कर दिया ऐसा? हाँ, कोई कर दिया, डरिया कर दिए। अच्छा, आपको लगता है डरिया कर दिया? डरिया कर दिए, ज्यादा ही। आपको डर है? आप लोगों को आपको डर है कि नहीं?
हमको तो विश्वास होता है जो उसको कोई चटपट में लोक लिया, काहे कि वो मरने वाली बच्चा नहीं थी, ठीक है, जैसे बता रहे, काहे कि वो हमको 8-9 बजे रात में हमको घर से भुजिया आन करके दिए थे, रोटी आन कर दिए थे, पानी आन के तहत दिए थे, 10 बजे रात में वो खेल करके सोए हुए थे। अच्छा, आपको डर होता है रात में कभी ऐसा यहाँ पर? डर तो होता है, क्या डर लग रहा है? डर यही होता है जो लग रहा है कि कुछ कहीं से आ रहा है। ठीक है, नाम क्या हुआ आपका? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हयाघाट से बोल रहा हूँ। नमस्कार, हयाघाट के वासियों और खास करके उसरामा पंचायत के लोगों से एक अपील करना चाह रहा हूँ। पिछले 13 जुलाई और 14 जुलाई को उसरामा पंचायत के एक गांव में कुछ दुर्घटना हुई, जिसमें घनौर सहनी 40 वर्ष और मंजू कुमारी 5 वर्ष की मृत्यु किसी अज्ञात कीड़े के काटने से हो गई, उसकी पहचान नहीं हो पाई, किंतु देखा गया कि उसमें कीड़े के काटने का निशान था। और जहाँ तक मेडिकल साइंस कहता है कि ऐसा विषैले कीड़े कुछ हैं प्रकृति में जिनके काटने से ऐसा अगर ससमय इलाज नहीं किया जाए तो उसका विष गहरा होता है, जैसे हम लोग वैस्प समझते हैं, वैस्प कहते हैं, गांव में भी लोग उसे हड्डा और क्या क्या कहते हैं, उसके काटने से ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद फिर मैं अपनी मेडिकल टीम के साथ वहाँ गया था और मैंने उस पीड़ित परिवार से मिला, उनके अन्य लोगों से भी मिला, उनकी मेडिकल जांच भी कराई और कोई विशेष और कई नई लक्षण किसी लोगों को और नहीं था, उनको दवा भी दी गई। गांव में कुछ ऐसी भ्रांतियां फैली हुई थी कि ये कुछ ऐसा बीमारी है जो एक से दूसरे पे फैलता है, क्योंकि उस दुर्घटना को देखने के बाद 2 पेशेंट और इस तरह से मूर्छित होकर के गिर गए थे। ये आम बात है, कुछ ऐसी घटना होती है तो जो दर्शक होते हैं थोड़े कमज़ोर दिल के होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर नीचे गिरने के कारण, सिंकोप होने के कारण वो मूर्छित हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अनावश्यक रूप से भयाक्रांत होने की जरूरत नहीं है, यह महज एक छोटी सी दुर्घटना थी और ये तमाम वासी जिस प्रकार से भयभीत हो गए हैं वहाँ के, वो भयभीत होने की कतई ही आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल निगाह रखे हुए हैं, तत्परता के साथ हम देख रहे हैं, CO साहब भी वहाँ जाकर के इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कराए थे और आने वाले दिनों में ऐसी घटना की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी, मैं ऐसा समझता हूँ। और ये भी अपील करना चाहता हूँ कि आप वहाँ के पीछे ना जाएं, अगर ऐसा कोई भी वस्तु कीड़ा या इंसेक्ट काटता हो तो अविलंब उसे चिकित्सीय सलाह के लिए PSC लाएं, उसे झाड़ फूक के चक्कर में या स्थानीय डॉक्टर से इलाज कराने के चक्कर में, जैसे पिछले 2 जो मरीज मरे हैं उनकी कहानी है कि वो बेवजह 4 से 5 घंटे झाड़ फूक के चक्कर में पड़ गए, ससमय अगर हॉस्पिटल लाया जाए और उनको सही इलाज करके रेफर किया जाए तो वो बचने की संभावना बढ़ जाती है। तो मैं फिर एक बार हम आपके लिए 24 घंटा उपलब्ध हैं, अगर ऐसी कोई भी घटना हो अविलंब हमें फ़ोन करें, हमारा एम्बुलेंस है, हमारी टीम है और उसे हम ला करके इलाज करें, धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको? बुधवार को हम लोग को लगभग 8 बजे पता चला, हम लोग जब यहाँ आए तो उस समय स्थिति उतना भयावह नहीं थी, इसको लोग हॉस्पिटल भी ले गए, यहाँ गांव घर में दिखाए, ओझा वगैरह डॉक्टर वगैरह वगैरह, लेकिन सस्पेक्ट मौत था। अब बीमारी से मरा कि कुछ काटने से मरा ये क्लियर नहीं हुआ। दूसरे दिन जब बगल में एक लड़की मरी जो संतोष दास की लड़की है, उसके बाद लोग काफ़ी यहाँ पर पैनिक हो गए, काफ़ी घबरा गए और घबराने के साथ साथ सबको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यह एक देवी करिश्मा है या डायन ओझा का ये ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ हम लोगों को नहीं लग रहा है, लोगों को हम लोग शांत कर रहे हैं, समझा बुझा रहे हैं कि ये सामान्य मौत है या बीमारी से ही हुआ होगा, अगर पोस्टमार्टम होती तो कुछ ना कुछ क्लियर होता कि जहर खाने से मरा कि सांप काटने से मरा कि वाकई में बीमारी थी, लेकिन ऐसा अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाया, चूँकि पोस्टमार्टम हुई नहीं, हॉस्पिटल भी हम लोग ले गए, हम लोग बताए थे कि हॉस्पिटल लेके जाओ, फिर वहाँ भी डॉक्टर इसको देर बड़ी देखने के बाद वहाँ से कह दिए कि नहीं अभी इसका कोई इलाज नहीं होगा, और होने के बाद हम लोग समझ गए को इसका दाह संस्कार कर दिए। लेकिन वो जो मौत हुई है संतोष दास की लड़की का, वो लोगों को पैनिक किया है। आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? मतलब हम इसको एक महज एक संजोग मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ओझा भगत सांप डाइन ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर पोस्टमार्टम हो जाता दो तो बात क्या लग रहा है? दो बात हो सकती है, या तो कोई डिजीज या नहीं तो वाकई में कोई ऐसा कीड़ा है, सांप हो या जो भी जहरीला कुछ हो, इसको काटने से कुछ ऐसा हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज कुमार सिंह है। सोए हुए थे और हमारा बच्चिया भी सोई हुई थी, रात 2 बजे के बाद हमको उठाने लगे, पाँव बकटने लगे, हम फिर उसने जागा, फिर हम लोग जागे, फिर हम झराने फुकाने लगे, उससे नहीं ठीक हुआ, फिर डॉक्टर के पास ले गए, फिर डॉक्टर से भी नहीं हुआ तो फिर हम हयाघाट हॉस्पिटल ले गए।
क्या हुआ था वो जब उठाई? वो हाथ उसका सूज गया था, उसको कुछ पता नहीं क्या काटा था, हम लोग का नहीं पता था। आप लोग देखे थे हाथ को? हाँ, सूजा हुआ था। लाइट जलाकर? नहीं नहीं, कुछ नहीं देखे उसमें। लाइट जलाकर देखे थे? हाँ, लाइट जलाए हम लोग देखे, कुछ नहीं। खून वून कुछ नहीं था? कुछ नहीं, खून वून कुछ नहीं था, ऐसे काट लिया, हाथ सूजा हुआ। अच्छा, लड़की क्या बोली? लड़की बोला सिर्फ हमको दर्द हो रहा है, फिर उसको बिट्टू टू काटे, बोला हमको कोई इस बात को कुछ पता नहीं चल रहा है, बिट्टू का कुछ असर नहीं पड़ा। अच्छा, हाँ फिर क्या किया? फिर हम ले गए झराए उराए, झरा करके फिर नहीं हुआ ठीक, तो फिर दवा दिलाए, फिर झराने ले गए, उससे भी नहीं ठीक हुआ, तो फिर एक भगत था और झराए, तो फिर उसके बाद हाया घाट गए। हाया घाट हॉस्पिटल वाला बोला हमसे नहीं होगा, दरभंगा ले गए, फिर हम दरभंगा ले गए, जा रहे हैं तो आधा रास्ते में वो डेट कर गए। अच्छा, तब तो बीच में क्या बोल रही थी वो? बीच में यही बताया जो कुछ नहीं, बीच में वही बताया हमको, उठाया बस, अब उठाया खाली। हाँ, रो भी रही थी? हाँ, रो रहा था हल्का फुल्का, जो पापा हमको ये काट लिया है, जो देखो तो हम ये नहीं बताया, बस बोला हाथ देखो, हाथ ऐसे दिखाया तो हाथ पूजा हुआ। कितना बच्चा है आपको? दो बच्चे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या काटा होगा आप लोग? हमको पता ही नहीं लग रहा है। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर भी नहीं कुछ बताया, डॉक्टर ऐसे दवा उवा दिया, डॉक्टर कुछ नहीं। पोस्टमार्टम नहीं हुआ? नहीं, पोस्टमार्टम नहीं। क्यों नहीं करवाया? पोस्टमार्टम नहीं करवाया। क्या नाम है आपका? संतोष दास। गाँव? घोसरामा। टोला? घोसरामा। टोला कौन सा है भैया? मलर टोली। अच्छा, क्या हुआ है आपके घर में? थोड़ा गड़ वही मृत्यु के अति पर चला गया है ना, अब क्या काटा नहीं काटा कौन देखता। कौन था आपका? अपना भतीजा था। भतीजा था? अच्छा, कहाँ सोया था, नीचे में या ऊपर में? नीचे सो जाता था। नीचे सोया था? हाँ। अच्छा, तो इससे पहले भी यहीं सोता था? हाँ, पहले यहीं सोता था, कहीं से आया बिस्तर बिछा कर ले। कब हुआ ये घटना? 3 बजे। कौन से दिन में? कौन दिन से नहीं, ख्याल नहीं है। सुबह 3 बजे हुआ? हाँ। अच्छा, तो काटने के बाद आपको उठाया? नहीं, हमको नहीं उठाया, तो बगल वाली आकर बोला था। क्या हम ऐसे कोनो चीज काट लिया है, तो कान झाड़ फूक करा, झाड़ फूक पड़ने से थोड़ा आराम बुझाया उसका, वो स्कूल के तरफ चला गया। अच्छा, और फिर हुआ मालूम पड़ा तब लौट के चला आया, यहाँ शुरू हो गया उसका। कितना वर्ष का था वो? तो हमारा उम्र के था ना। अच्छा, 40 के रखिए। 40 साल। क्या लग रहा है आपको, क्या क्या काटा होगा? हमारा भतीजा, आप क्या काटा नहीं काटा उसको देखा नहीं है। यही बात है। तो उसको हॉस्पिटल लेके गए थे? हाँ, गया था। कहाँ पर? हया घाट कहाँ लेके गया था, फिर वहाँ रिटायर कर लिया, उल्टी करने लगा ना, रिटायर कर। नाम आपका? शंकर सहनी। गाँव? गाँव घोसला। टोला? टोला मलाड टोला पड़ता है। उल्टी कर लेलक 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 उल्ट
क्या बोल रही थी काटने के बाद? काटने के बाद कुछ नहीं बच्चा बोला। यहाँ पर घर में कुछ दिखा भी? कीड़ा सांप वहाँ कुछ और नहीं देख ली। देखे सब अच्छे झड़ के? हाँ कुछ और नहीं हमारा देखे वो नहीं थे सजे बच्चा खाली हाथ फूल रहे काटे। इससे पहले कुछ हुआ था कभी? कुछ नहीं कहीं ना कुछ। कहाँ घर है आपका? हमारा घोसरा। आपका मायके? भगपुर माधरमपुर। कहाँ पर आता है? माधरमपुर लव टोल बोलते हैं। दरभंगा में? समस्तीपुर। अच्छा, क्या नाम है आपका? सीता देवी।